के दो आदरणीय और सीनियर मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए, और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास, सब लोग जानते हैं, ज्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन दो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनके इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह दो नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है।